हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस फाइनली यार आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं JBL पार्टी बॉक्स क्लब 120 का डिटेल पे ऑडियो टेस्ट। दोस्तों इससे पहले पार्ट में मैंने आपको इस मॉडल की अनबॉक्सिंग वीडियो दे दी है। अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने आपको इस मॉडल को काफी डिटेल में दिखाया, रिव्यू करके दिखाया है। साथ में दोस्तों मैंने आपको एप्स के साथ भी इसको कंट्रोल करके डिटेल पे दिखाया है। सो आप फर्स्ट पार्ट को जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आप सबको पता है हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटल ग्राउंड वीडियो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते हैं। दोस्तों इस मॉडल का अभी करंट प्राइस चल रहा है 33,000 रुपीज। अगर आपको इसे परचेस करना होगा तो आप पीसी मीडिया से परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पीसी मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। साथ में दोस्तों अगर आपको अमेजोन से परचेस करना होगा तो मैं अमेजोन का बेस्ट बाय लिंक भी दे दूंगा। दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हमने इस मॉडल को खुद परचेस करा है। सो जो हमारा लाइव एक्सपीरियंस होगा वो चीज मैं टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि दोस्तों अभी हम आउटडोर में हैं, सो सबसे पहले इसकी हम आउटडोर पे टेस्टिंग देंगे। बट आउटडोर में टेस्टिंग करने से पहले इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। साथ में गाइस इसकी बैटरी के बारे में आपको एंड में पता लगेगा कि यार फुल वॉल्यूम में कितना बच पाता है। तो गाइस इस पर हमें 160 वाट्स RMS का साउंड आउटपुट मिल जाता है, 5.25 इंच एंड 5.25 इंच के हमें 2 बेस ड्राइवर मिल जाते हैं एंड हमें 2 ट्यूटर भी मिलते हैं जिनका इंच है 2.25 इंचेस का। अगर दोस्तों मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो इस पर हमें USB AUX, Bluetooth 5.4 ये सब की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। गाइस ये स्पीकर ऐप सपोर्टेड है, आप अपने फोन पे ऐप को इंस्टॉल करके इस स्पीकर को पूरा ऑपरेट कर पाएंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिटेल में दिखाया है, देख लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप इस पर 2 माइक या 1 माइक प्लस 1 गिटार को कनेक्ट कर पाएंगे, बट आपको माइक अलग से परचेस करना पड़ेगा, बॉक्स के अंदर हमें नहीं मिलता है। चलिए अब इसकी आउटडोर पे टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमने कैमरे को क्लोज रख के तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से टेस्टिंग दे दी है। अब इसकी थोड़ी सी लाउडनेस भी चेक कर लेते हैं। कैमरे को जैसे कि हमने देख लिया बहुत दूर रख लिया है, सर एक बार जूम इन कर दीजिए। तो देखिए मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि यार हमने कैमरे को कितने दूर रख रखा है। दोबारा से जूम आउट कर दीजिए। सो अब देखते हैं कि यार दोस्तों लाउडनेस कितनी बढ़िया हमें मिलती है। प्लीज़ आप लोग अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए। तो गाइज यार हमने इसका आउटडोर पे भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से टेस्टिंग करवा दी है। मेरे हिसाब से क्लियर समझ में आ गया होगा कि यार परफॉर्मेंस कैसा हमें मिलता है, क्योंकि हमने कैमरे को क्लोज रख के भी टेस्टिंग कराई एंड कैमरे को दूर रख के भी टेस्टिंग कराई। दोस्तों अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना तो मुझे बढ़िया परफॉर्मेंस लगा है। जैसे कि जब मैंने सोनी का ऑडियो टेस्ट दिया था ना तो मेरे को लगी थी यार उसमें लाउडनेस की थोड़ी सी कमी लगी है, मतलब कि जब हम स्पीकर को दूर रख रहे हैं, बट यार पार्टी बॉक्स में ऐसा फील नहीं हो रहा था। लाउडनेस हमें बढ़िया मिल जाती है। अगर आपका बड़ा सा कैफ़े है एंड गार्डन एरिया है, अगर आप इस स्पीकर को स्टैंड पे रखेंगे तो बढ़िया लाउडनेस आपको मिल जाएगी। साथ में गाइज अगर आप पूल पार्टी कर रहे हैं, स्पीकर को आपने बाहर रख रखा है एंड आप पूल में हैं, तब भी आपको लाउडनेस बढ़िया मिलने वाली है। सो JBL ने दोस्तों यार लाउडनेस में बढ़िया काम कर रखा है एंड आप इसे आउटडोर में अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। हमने इस मॉडल को गाइस पंच बेस में रखा था, साथ में दोस्तों हमने JBL सिग्नेचर इक्वलाइजर बैंड में रखा था इसे। सो परफॉर्मेंस जो है वो टॉप नॉच ही हमें मिल रहा था, कोई भी कमी नहीं लगी। अगर मैं क्लियरिटी की बात करूँ तो गाइस क्लियरिटी बाहर भी हमें काफ़ी तगड़ी फील हो रही थी, मतलब दूर से ही आपको ये चीज़ फील हो जाएगी कि हाँ यार एक ब्रांडेड स्पीकर बज रहा है। आउटडोर में मैंने एक चीज़ फील करी ना, अगर आप इसे पंच में रखेंगे ना पंच बेस में, तो आपको धमक जो है ना काफ़ी बढ़िया फील होगी आउटडोर में। सो मेरे अकॉर्डिंग बढ़िया है परफॉर्मेंस, कोई भी कमी आपको नहीं मिलने वाली है।
आउटडोर के लिए हाईली रिकमेंड है मेरी तरफ से, अगर आपको एक ब्रांडेड स्पीकर चाहिए। गाइस अब इसकी पोर्टेबिलिटी भी टेस्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि यार जिन भाइयों को ट्रैवल के लिए ये स्पीकर परचेस करना है तो क्या उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है या नहीं है। दोस्तों जैसे कि इस स्पीकर पर हमें टॉप पर ये हैंडल देखने को मिलता है, सो आप हैंडल से एंड नीचे से भी देखिए हमें थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है होल्ड करने के लिए स्पीकर को। आप यहाँ पे से स्पीकर को होल्ड कर पाएंगे एंड कैरी कर पाएंगे। बट क्या है ना गाइज, स्पीकर का जो वेट है ना ये 11.05 केजी का है, सो ये काफ़ी वेटेड स्पीकर है। अब जैसे कि गाइज आप लोग ट्रैकिंग करते हैं ऐसे जंगलों में, आप लेकर जाना चाहते हैं स्पीकर को, तो वहाँ पे के लिए यार ये उतना पोर्टेबल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ अगर आप 4-5 बंदे हैं तब के लिए तो सही है कि यार दो बंदे एक बार पकड़ लेंगे, दो बंदे एक बार पकड़ लेंगे। बट अगर आप सिंगल ट्रैकिंग करते हैं या दो बंदे करते हैं तब के लिए बेटर नहीं है, आप बूम बॉक्स की तरफ जा सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आप लोग टू व्हीलर में इस स्पीकर को रखना चाहते हैं तो तब के लिए भी ये बेटर ऑप्शन नहीं है। अब जैसे कि सर और मैं तो इसे टू व्हीलर में ही लेकर आए शूट के लिए, सो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि बीच में रखना पड़ता है स्पीकर, सो जगह भी नहीं होती है और चलाने में भी डिफ़िकल्टी होती है, पीछे से पकड़ने में भी डिफ़िकल्टी होती है। अगर आप जैसे कि 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर इसको टू व्हीलर में रख के जाएंगे ना तो दिक्कत होने वाली है, वहाँ पे के लिए बेटर ऑप्शन नहीं है। ये स्पीकर तब के लिए ज़्यादा बेटर है जैसे आपको बड़ी पार्टीज करनी है या आप कार से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, पोर्टेबल स्पीकर चाहिए तब के लिए काफ़ी बेस्ट है, या अगर आप ट्रैकिंग करते हैं बट 4-5 लोगों का आपका ग्रुप है तब के लिए ये बढ़िया रहेगा। सो मेरे हिसाब से पोर्टेबिलिटी का भी आपको समझ में आ गया होगा कि यार किस तरीके की हमें मिलती है। साथ में गाइस देखिए नीचे से हमें इसे स्टैंड में कनेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए गाइस आप इसे स्टैंड में भी रख सकते हैं। अब दोस्तों हम इसके इंडोर में टेस्टिंग करा देते हैं एंड देखते हैं कि यार इंडोर में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस हमें मिलता है। सो गाइज इंडोर में क्या है ना, हम इस पर नॉर्मल म्यूजिक प्लस बेस वाले ट्रैक्स प्ले एक साथ कर देंगे ताकि आपको क्लियर पता लग सके एंड आपका भी टाइम बच जाए, साथ में हमारा भी टाइम बच जाएगा उससे एंड आपको क्लियरिटी एंड बेस क्वालिटी का भी क्लियर पता लग जाएगा कि यार इंडोर में परफॉर्मेंस कैसा हमें मिलता है। एंड इसको दोस्तों ना हम डीप बेस पे रखेंगे एंड जो इसका इक्वलाइजर है ना हम कस्टम वाला सेट करके रखेंगे, मतलब कि मिड को हम मिड में ही रखेंगे एंड बेस एंड ट्रेबल को हम यानी कि लोज एंड हाइज को हम फुल करके रखेंगे, उसके बाद टेस्टिंग कराते हैं एंड इसे पावर कॉर्ड के थ्रू ही बजा के देखेंगे क्योंकि पावर जो है वो इनहेंस हो जाती है पावर कॉर्ड के साथ बजाने में। गाइज हमने इसका इंडोर में भी आपको काफ़ी डिटेल में टेस्टिंग करा दी है, बेस वाले ट्रैक्स भी प्ले करे नॉर्मल ट्रैक्स भी प्ले करे, मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये क्या किलर मशीन है। मतलब गाइज इतना तगड़ा एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है ना बेस का, मैं ये चीज़ आपसे क्लियर बोल सकता हूँ, जो फील हमें बेस ट्यूब में होता है ना बेस का, उस तरीके का एक्सपीरियंस हमें हो रहा है। मतलब पूरी छाती वाइब्रेट कर जा रही है हमारी जब इस पर बेस एक्सपीरियंस हो रहा है। तो गाइज इतना भयंकर पार्टी स्पीकर अभी तक मैंने और कोई भी ब्रांड का टेस्ट नहीं करा है, ये क्लियर आपसे बोलूंगा। अगर आपको बढ़िया सा पार्टी स्पीकर परचेस करना है, 30,000 से 35,000 तक का बजट है, तो सीधे पार्टी बॉक्स क्लब 120 को परचेस करिए, एक नंबर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आप अगर इसे इंडोर में बजाएंगे ना तो डीप बेस में ही रखिएगा, तब ज्यादा एक्सपीरियंस तगड़ा होगा, मतलब कार वाला फील आएगा, जैसे कार के सिस्टम्स में होता है ना बेस, उस तरीके का फील आएगा। लोअर फ्रिक्वेंसी साथ में डीप बेस,
तगड़ा हमें मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्लियरिटी की। अगर बेस क्वालिटी ऐसी है तो क्लियरिटी कैसी हमें मिलती है? सो गाइस, क्लियरिटी में भी आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। मिड साइज में परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमें मिल जाता है। अगर आप इस स्पीकर को फुल वॉल्यूम पे भी रख देंगे ना, तो क्लियरिटी में आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। हाँ, मतलब ये चीज क्लियर लगती है कि यार अगर आप 33,000 रुपए स्पेंड कर रहे हैं इस पार्टी स्पीकर पे, तो आपको मजा पूरा मिलेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ, पैसा वसूल चीज है, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है। साथ में गाइस, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप इसे इंडोर में प्ले करेंगे ना, तो पावर कॉर्ड के साथ ही कनेक्ट करिएगा। तब क्या है कि इसकी लाउडनेस और बढ़िया हमें मिल जाती है, मतलब इसकी पावर जो है और बढ़ जाती है। अगर आउटडोर में यूज करेंगे तब तो आपको बैटरी से ही यूज करना पड़ेगा, बट इंडोर में अगर आप यूज करेंगे तो पावर कॉर्ड के साथ यूज करेगा, तगड़ा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। सो इंडोर के लिए भी ये पार्टी स्पीकर बढ़िया है, आउटडोर के लिए भी बढ़िया है। इससे बेस्ट ऑप्शन आपको अच्छे ब्रांडेड स्पीकर में देखने को नहीं मिलेगा 30,000 से 35,000 के रेंज में। अब बात कर लेते हैं गाइस बैटरी बैकअप की, कि यार बैटरी के अकॉर्डिंग ये स्पीकर कितना बढ़िया है। मैंने जितना एक्सपीरियंस करा ना, अगर आप लाइट्स को ऑन करेंगे, साथ में बेस को ऑन कर देंगे, डीप बेस में रखेंगे एंड वॉल्यूम को भी मैक्स कर देंगे, तो ये स्पीकर 3 से 5 घंटे के बीच में ही चल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं चल पाएगा। सो जो ये बोला जाता है ना कि 12 घंटे का प्ले ऑन टाइम हमें मिलता है, वो गाइस फुल वॉल्यूम पर नहीं है, वो केवल 25% की वॉल्यूम पे। तो ये चीज ध्यान पे रखिएगा कि यार 12 घंटे आपको फुल वॉल्यूम पर मजा नहीं देने वाला है, ये 3 से 5 घंटे के बीच में ही आपको फुल मजा देगा। साथ में गाइस, इस पर एक एडवांटेज मिल जाता है ना, जो और कोई भी पार्टी स्पीकर में हमें देखने को नहीं मिलता अदर ब्रांड्स के, इस पर हमें रिमूवेबल वाली बैटरी मिल जाती है। सो आप कह के 2-3 बैटरी और अपने साथ कैरी कर सकते हैं एंड बैटरी बैकअप कह के और ज्यादा बढ़ा सकते हैं इसका, तो एक एडवांटेज हो जाता है। साथ में अगर आप बैटरी को निकाल के पावर से बजाना चाहेंगे तो वो भी आप इस पे कर पाएंगे। सो गाइज, यार देखिए, लंबा हमने आपको वेट कराया, बट ऑडियो टेस्ट मेरे हिसाब से ऐसा दिया जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमारा हार्ड वर्क डेडिकेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।